असम में बाढ़ से हालात खराब, 6 और लोगों की मौत, 22 जिलों के 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक बाढ़ और भूस्खलन से 24 लोगों की जान गई। असम के बाढ़ प्रभावित होजाई में राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ की टीम, अब तक 500 लोगों को किया गया है रेस्क्यू। एनडीआरएफ के मुताबिक जो लोग अपना घर नहीं छोड़ रहे थे उन्हें राहत सामग्री दी गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने दिया भाजपा को बड़ा झटका, भाजपा सांसद अर्जुन सिंह टीएमसी में शामिल, बैरकपुर से भाजपा के सांसद हैं अर्जुन सिंह। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा, आतंकी संगठन टीआरएफ ने भेजी धमकी भरी चिट्ठी, सरकार और आरएसएस का भी चिट्ठी में जिक्र। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्य सचिव को तलब किया, नंदीग्राम में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के दफ्तर में पुलिस के कथित तौर पर जबरन घुसने के मामले को लेकर बुलाया गया। दिल्ली के ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने पुलिस को मानहानि का नोटिस भेजा, पूछा मैंने कहां जमीन पर कब्जा किया, कहां दंगे भड़काए और किस गैंग का हिस्सा। पेट्रोल डीजल पर राहत देने की केंद्र की पहल का असर, केरल ओडिशा और राजस्थान के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने भी वैट घटाया, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में पेट्रोल 2 रुपए और डीजल करीब 1.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता। पार्टी छोड़ने के बाद अर्जुन सिंह का भाजपा पर बड़ा आरोप, कहा भाजपा नेता जमीन पर नहीं एसी घरों में बैठकर जनता की लड़ाई लड़ने का ढोंग करते हैं। अमरोहा में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर, तिगरी घाट पर ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किए भू माफिया के खिलाफ हुई कार्रवाई, जिला प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराई करोड़ों की जमीन। जालौन में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला, पक्के चबूतरे बनाकर किया गया था अतिक्रमण, अधिकारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। बलिया में भी चला प्रशासन का बुलडोजर, बैरिया तहसील के चटगिरधर गांव का मामला, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाया गया अतिक्रमण, जलमग्न गड्ढों पर कुछ लोग किए हुए थे कब्जा। गाजीपुर में भी चला बुलडोजर, कमरुद्दीन नगर के पलिया गांव में प्रशासन की कार्रवाई, जमीन पर कब्जा करके अवैध मकान बने हुए थे बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। हरदोई में अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, खजुराहा गांव में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, तालाब की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। ग्रेटर नोएडा में झमाझम बारिश, सुबह से बारिश से मौसम हुआ सुहाना, भीषण गर्मी से राहत, तापमान में गिरावट। रुड़की में भी बदला मौसम का मिजाज, देर रात आया आंधी तूफान और बारिश से मौसम सुहावना हुआ, गर्मी से लोगों को राहत मिली, बिजली की सप्लाई पर असर पड़ा। आगरा में आंधी तूफान के बाद छाया दिन में अंधेरा, आंधी के बाद बारिश की वजह से बदली ताज नगरी की फिजा, लोगों को तेज गर्मी से निजात। मसूरी में देर रात से जारी बारिश से बदली फिजा, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, सुहाने मौसम का लुत्फ उठाते देखे पर्यटक। नैनीताल में भी बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, बारिश की वजह से लोगों को आ रही है परेशानी, तापमान में दर्ज भारी गिरावट, मौसम विभाग पहले कर चुका है अलर्ट। चंपावत में भी बदला मौसम का मिजाज, रुक रुक कर हो रही इलाके में बारिश, तापमान में भारी गिरावट दर्ज। रुड़की में NH-73 पर कंटेनर में लगी आग से हड़कंप, ड्राइवर और सहायक ने कूद कर जान बचाई, कंटेनर में लगी आग की वजह साफ नहीं। अल्मोड़ा में जंगल में लगी आग से भारी नुकसान, बागेश्वर में जंगल में आग लगने के 792 मामले सामने आए, 1394 हेक्टेयर से ज्यादा की वन संपदा को पहुंचा नुकसान। बाराबंकी में देर रात सड़क किनारे मौजूद बाजार में लगी आग से मचा हड़कंप, रेडीमेड जूता चप्पल और फर्नीचर की दुकानें जलकर हुई खाक, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सहारनपुर के देवबंद में मौजूद नवीन मंडी में आग ने मचाया तांडव, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, आग लगने से लाखों रुपए का अनाज और सब्जियां जलकर खाक। लखनऊ में डीजीपी DS चौहान ने किया विधानसभा का निरीक्षण, आज से शुरू होने वाले सत्र के लिए कानून व्यवस्था का जायजा लिया। कुशीनगर की ग्राम विकास अधिकारी के पति का फंदे से लटकता शव मिला, मकान में लगा था बाहर से ताला, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की, हटा के सुतरौली का मामला। गोंडा में दो महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात से मचा हड़कंप, 15 मई को बाजार गई महिला और उसकी ननद के साथ लौटते वक्त अंजाम दी गई वारदात। लखनऊ में दुष्कर्म पीड़ित लड़की की इलाज के दौरान मौत, 5 मई को लड़की के साथ अंजाम की गई थी दुष्कर्म की वारदात, काकोरी इलाके का मामला। बिजनौर में गन्ने के खेत में मिले तेंदुए के 3 शावक, तेंदुए के बच्चे को देखकर ग्रामीण दहशत में, वन विभाग को दी गई जानकारी, नठौर से मिला ये मामला। एटा के जलेसर कस्बे में दबंगों ने की पति पत्नी की पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल, घर में घुसकर पति पत्नी के साथ मारपीट का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेते नजर आए, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। रुड़की में अपात्र राशन कार्ड धारकों को लेकर प्रशासन सख्त, 31 मई के बाद जांच में अपात्र पाए जाने वाले राशन कार्ड धारकों पर होगी बड़ी कार्रवाई, 300 से ज्यादा लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर किए। टिहरी में बायोमेट्रिक मशीन खराब होने से बढ़ी राशन उपभोक्ताओं की परेशानी, नहीं मिल पा रहा है लोगों को राशन, डीलर ने कहा कि प्रशासन को दी गई जानकारी।
ब्राजील में हुए जेफ ओलंपिक में गोरखपुर की बेटी आदित्य यादव ने देश को दिलाया गोल्ड मेडल। बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर बढ़ाया देश और प्रदेश का मान।